नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और Q&A वीडियो में। आपके क्वेश्चन होते हैं, मेरा जवाब होता है। दोस्तों आज जब मैं Q&A क्वेश्चन पिक कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन को पिक करूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप जब पूछते हो तब मैं उस पर रिसर्च करता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि ये नॉलेज मेरे माइंड में क्यों नहीं थी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो यूट्यूब से रिलेटेड, खास तौर पे चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, आपके जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे आज के इस वीडियो में मैंने पिक किए हैं, उन सभी क्वेश्चन का एक एक करके रिप्लाई देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रियंका ब्लॉग का, सर कैन आई चेंज माई यूट्यूब चैनल नेम बिफोर मोनेटाइजेशन। बिफोर का मतलब होता है पहले, और मोनेटाइजेशन कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन होने के पहले अपने चैनल के नेम को मैं चेंज कर सकती हूं क्या। मैं आपको बता दूं, आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज है, जब इच्छा तब आप अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके चैनल का नाम चेंज करना चाहिए, आपके चैनल का नाम अच्छा है। बस ये ध्यान में रखिए कि आपके नेम से रिलेटेड कोई और चैनल का नाम तो नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, वैसे ओवरऑल चैनल का नाम अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन है सौरभ का, वी कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन द सॉन्ग यू हैव इन योर यूट्यूब लाइब्रेरी यूजिंग ऑन आवर वीडियो, विल इट नॉट बी रीयूज्ड। ये कह रहे हैं कि मैंने यूट्यूब लाइब्रेरी से सॉन्ग यूज किया है, क्या वो रीयूज्ड कंटेंट होगा दोबारा अगर यूज करूंगा तो। माई डियर, आप अगर YouTube लाइब्रेरी से सॉन्ग यूज करते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, YouTube लाइब्रेरी कहता है कि आप बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हो सॉन्ग को, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ YouTube लाइब्रेरी के सॉन्ग को यूज करके अपलोड कर दो। अगर सिर्फ और सिर्फ YouTube लाइब्रेरी के सॉन्ग को अपलोड कर दोगे तो उसमें आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर YouTube लाइब्रेरी का कोई भी आपको म्यूजिक यूज करना है तो आप अपनी आवाज वीडियो में जरूर रखें, चाहे वॉइस ओवर करके या वीडियो रिकॉर्ड करके। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर देवांशु अग्रवाल का, भाई क्या मेडिटेशन वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट आता है क्या? मेडिटेशन वीडियो पर रीयूज कंटेंट यस डेफिनेटली आता है, अगर आपकी अपनी म्यूजिक नहीं है, अगर आपने अपना खुद का मेडिटेशन वीडियो नहीं बनाया है तो, दूसरे का कहीं से उठाया है अगर, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कहीं से भी उठाया हो तो वो रीयूज्ड कंटेंट में आएगा। व्हाट्सएप का मतलब मेरे यहाँ पर ये है कि अगर व्हाट्सएप पे आया है तो कहीं ना कहीं पहले से अपलोड किया गया होगा, तो वो रीयूज्ड कंटेंट होगा, इसलिए आप बच कर रहें। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है यूट्यूब बाज का, अमार एक रिंगटोन चैनल है, मैं नो कॉपीराइट स्ट्राइक यूज करे सत क्लेम ओके मोनेटाइजेशन हो जाएगा, प्लीज टेल मी। यहाँ पर यूट्यूब बाज ने लिखा है कि सर मेरा एक रिंगटोन का चैनल है और इस पर नो कॉपीराइट म्यूजिक यूज करे हैं, कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, क्या रीयूज कंटेंट आएगा, क्या मोनेटाइज होगा? तो मैं आपको बता दूं, अमर बाज, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब पर दोस्तों रिंगटोन प्लस व्हाट्सएप स्टेटस प्लस टिकटॉक प्लस मौज, इन सब की वीडियो मोनेटाइज नहीं होती हैं। आप अगर अपलोड करते हैं तो कर सकते हैं लेकिन मोनेटाइज नहीं होगा, आप ग्रो कर सकते हैं लेकिन मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हैप्पी सिंह का, क्रिकेट हाईलाइट वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा बताओ। मैंने इनको बोला भी है कि आज की Q&A वीडियो जरूर देखना, अगर ये वीडियो आज की हमारी देखेंगे तो इनको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर करूँ कि आप अगर हाईलाइट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपने हाईलाइट वीडियो के अंदर अपनी आवाज़ जरूर डालनी है, नरेशन डालना है, मतलब कि आपको कुछ वैल्यू तो डालनी है ना। ये नहीं है कि BCCI की कोई भी क्लिप यूज की और अपलोड कर दिया, ऐसा करोगे दिक्कत हो जाएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, चैनल सस्पेंड हो जाएगा और मोनेटाइज तो होना ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है वीकेंड गेमर YT का, भाई क्या मीम चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? देखिए, मीम चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं होती। 2019 के पहले होते थे ये सारे चैनल, 2019 के बाद जब से एक पॉलिसी आई रीयूज्ड कंटेंट की, तब से ये सारे चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस टाइप का कंटेंट बिल्कुल भी मत अपलोड करें। नीरज और पे बोल रहे हैं, हेलो, आई हैव गॉट रीयूज्ड कंटेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, व्हेन आई ट्राई टू मोनेटाइज, कैन यू प्लीज हेल्प मी। देखिए, रीयूज्ड कंटेंट नीरज जब ही आता है जब आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं। अब किसी दूसरे के कंटेंट में बहुत सारा कंटेंट हो जाता है,
जैसे किसी दूसरे का हो सकता है आपके वीडियो में म्यूजिक हो, आपकी आवाज़ ना हो उस वीडियो में, जैसे पार्टिकुलर एक ऐसी कोई वीडियो हो जिसमें म्यूजिक ही है और आपकी उसमें आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एडिटिंग है, तो वो रीयूज्ड कंटेंट होगा। इस टाइप के कंटेंट को आपको डिलीट करना होगा। तो आप अपनी वीडियो पर जाएं, सबसे ज़्यादा व्यूज वाली वीडियो को देखें, और अगर इस टाइप का कंटेंट लगता है तो प्लीज़ उसे डिलीट करें। जब आप डिलीट करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। यहाँ पर SS ब्रदर्स कह रहे हैं, भाई शॉर्ट वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट आता है क्या? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और डेफिनेटली आता है। शॉर्ट वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट सबसे ज़्यादा आता है, और YouTube खुद कहता है जब रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है कि आप अगर YouTube पर शॉर्ट की वीडियो डालते हैं और उस पर फोटो म्यूजिक यूज करके अपलोड कर देते हैं तो वो रीयूज्ड कंटेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो शॉर्ट वीडियो आप अपना डालिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अगर आप YouTube पर आए हैं, क्रिएटर बन रहे हैं, तो खुद अपना कंटेंट डालकर बनो ना। दूसरे का कंटेंट डालकर कितना बन पाओगे? नहीं बन पाओगे माय डियर, आप अपना कंटेंट डालो। मेघनाथ चौधरी कह रहे हैं, क्या क्रिएटिव कॉमन म्यूजिक चैनल मोनेटाइज हो सकती है? डेफिनेटली नो, आपका क्रिएटिव कॉमन म्यूजिक मूवी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो रीयूज्ड कंटेंट आएगा। भले ही वहाँ पर लिखा हो अलाउ रीयूज्ड, लेकिन फिर भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, 555 हगली ग्रुप करकंब, सर मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आया है, क्या मुझे बताएंगे कि रिक्वेस्ट यूट्यूब मांग रहा है वीडियो बनाकर सेक्रेटली जानकारी दो मुझे सर। देखिए, मैंने इनके चैनल को चेक किया तो ये एक्चुअली क्या है कि गाना ऐसा बनाते हैं वीडियो सॉन्ग और उस टाइप का, मतलब जैसे आप देख सकते हो ऑर्केस्ट्रा हो गया, प्रोग्राम वीडियो हो गया, डांस ढोल मजीरा वाला डांस वाला वीडियो बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें इन्होंने 2-3 वीडियो एक जैसी ही अपलोड कर रखे, इसलिए यूट्यूब को कन्फ्यूजन है। तो जिस वीडियो में आपके सबसे ज़्यादा व्यूज आया है उस वीडियो को प्राइवेट या डिलीट करके अप्लाई करोगे, हो जाएगा चैनल मोनेटाइज। नीरज बिहारी 28 के व्यूज, 20 वीडियो में 10 रीयूज्ड कंटेंट है, क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा। रीयूज्ड कंटेंट की एक वीडियो भी होगी तो चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। यहां पर फैन एनिमी ओपी कह रहे हैं, चैनल मोनेटाइज होने के बाद वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, दोबारा से रीयूज्ड आ जाएगा। प्राइवेट इसीलिए करवाया है ना कि आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट है, तो आप प्राइवेट करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। फिर आपको पता चल गया ना उसी वीडियो पर रीयूज था, तो प्राइवेट हो गया चैनल आपका मोनेटाइज, वीडियो प्राइवेट हो गई, चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आप अपना कंटेंट डालो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, ये है लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स अनमोल का, अगर कॉपीराइट क्लेम हो तो रीयूज्ड कंटेंट करके चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता है? डिपेंड करता है कि कॉपीराइट क्लेम कैसे आया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, अगर जैसे मान लो मेरा ये अभी वीडियो देख रहे हो, इसमें मैंने कोई म्यूजिक यूज कर लिया है, उस म्यूजिक पर कॉपीराइट क्लेम आया है और मैंने अपनी वीडियो में आवाज़ दी है, तो इस पर मुझे रीयूज्ड कंटेंट कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ म्यूजिक यूज किया है और आपकी आवाज़ नहीं है तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम भी आएगा, प्लस रीयूज्ड कंटेंट भी आएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपकी वैल्यू नहीं ऐड है कोई। यहाँ पर एक क्वेश्चन है दीपक कलाल लाइव का, आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए माई डियर आपको इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है टेक्निकल अंडरस्कोर प्रभाकर की, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। और जब आप कोई वीडियो अपनी अपलोड करें और वीडियो आप मुझ तक भेजना चाहते हैं तो @ लगाकर टेक्निकल प्रभाकर लिखेंगे, मेरे पास आपकी वीडियो आ जाएगी, मैं आपकी वीडियो को भी चेक कर लूँगा और आपको बता भी दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने पिक किए थे, आप लोगों के क्वेश्चन थे, आप लोगों को रिप्लाई किया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर डिटेल से आपको जानकारी मिली होगी, और आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं अगले Q&A वीडियो में आपके क्वेश्चन को पिक कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।